थंबनेल पर ही आपने देखा होगा, तो आपने सोचा होगा कि आज राजेश सर कोई मोटिवेशनल वीडियो देने वाले हैं। चलिए आज मोटिवेशनल क्लास ही ले लेते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड जो कि हर इंसान इसके क्लच में आता ही है। भैया आज आओ या कल आओ, आना तो डिप्रेशन में सबको है। क्यों आएंगे डिप्रेशन में? इसलिए आओगे क्योंकि आज का जो लाइफ है ये भाग दौड़ की लाइफ, इंसान कोई फुर्सत में तो है ही नहीं। किसी को फोन करो और पूछो कि भाई साहब जरा आपसे 5 मिनट बात करना है, आवे क्या आपके पास? तो कहेगा मैं तो मार्केट में हूं और वो घर में है। किसी को फोन करो कि कल आपके घर आते हैं, जरा भागलपुर में हमको एक दिन का काम है। अरे भैया क्या बतावे, हम तो काफी परेशान हैं। क्यों क्या हुआ? अरे क्या बोले, मेरी वाइफ को पता नहीं क्या हो गया है, हम तो 4-5 दिन से टाटा में हैं। ओ आहा, अच्छा ठीक है, आप इलाज कराइए, हम कोई दूसरा व्यवस्था कर लेते हैं। कुछ तो सच्चाई है और कुछ इंसान झूठ भी बोलने लग गए। झूठ भी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वास्तव में उसके पास वक्त नहीं है। इतना भागदौड़ है आज के जीवन में, हर इंसान को अगर पूछोगे तो वो कहेगा कि ये 24 आवर, अगर 30 आवर्स का डे नाइट हो जाता बड़ा अच्छा होता, एक शिफ्ट और बढ़ा लेते तो 10,000 रुपया और कमा लेते। ये है आज का जीवन। हमारे जीवन में उदासी तो बिल्कुल आना ही है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो फिर सुख आएगा, ये सब चलता रहता है। और फिर दुख और तकलीफ तो जीवन का अभिन्न अंग होता है, ये आपके जीवन में आएगा ही। और जब इंसान को उसके मन के मुताबिक एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट नहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो उदासी कुछ पल के लिए हो सकता है, लेकिन ये डिप्रेशन जो होता है, ये डिप्रेशन आपको लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। हम लोग डिप्रेशन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो मैंने बताया जीवन का डिप्रेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स में डिप्रेशन क्या होता है। जीवन एक मैथमेटिक्स ही तो है। जिस प्रकार से जीवन में डिप्रेशन आते रहते हैं, उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी डिप्रेशन एक वर्ड है। अगर आप डिप्रेशन को नहीं समझते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सीबीएसई क्लास 10 वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही मेजर एरिया है मैथमेटिक्स का, आप परेशान हो जाएंगे उसको सॉल्व करने में। लेकिन डिप्रेशन ही नहीं है, एलिवेशन भी है। अब आप जब देखोगे किसी किसी इंसान को तो वो इस प्रकार से रहता है, ये क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में है, वो परेशान है। आप किसी किसी आदमी को देखोगे रोड पे जब चलेगा, ये है उसके चलने का स्टाइल। बाद वाला जो इंसान होगा वो डिप्रेशन में नहीं है। तो डिप्रेशन का कुछ तो उल्टा भी होता होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इस दो टॉपिक पर, डिप्रेशन और उसका उल्टा क्या होता है। लेकिन अब आ जाएंगे हम लोग मैथमेटिक्स में। जहां तक मैथमेटिक्स की बात है, ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को इसका एक एप्लीकेशन जो पढ़ना होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस होता है। हाइट एंड डिस्टेंस को आप बना सकते हैं जब आप इसके दो टर्म को अच्छी तरह से समझ सकते
और वो दो टर्म होता है एलिवेशन और डिप्रेशन। अब देखो इसको एक सीधा सा एग्जांपल में, एक छोटा सा सिंपल डायग्राम में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। पा लेते हैं कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, यानी इसको आप बोलिए ये एक रोड है जिस पर आप चल रहे हैं। रोड के ही किनारे कहीं पर एक घर भी है, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप पर मान लो यहां पर एक आदमी है, ठीक, पाल लेते हैं कि ये कोई एक आदमी है और आप इस रोड पर चल रहे हैं। तो जब आप रोड पर चलोगे तो इधर उधर भी देखोगे ही, ये तो हमारा नेचर ही है, सीधा तो घर चलते नहीं है। जब स्कूल से घर चलते हैं तो अगल बगल ऐसे ऐसे देखते जाते हैं, तो देखना ही होगा। तो जब मान लो कि आप यहां पर हैं, यहां से चलते चलते आपकी नजर इस पर पड़ गई, तो जैसे ही आपकी नजर इस पर पड़ गई तो आप कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, यानी कि आपकी जो ये साइट है, आपकी दृष्टि जो है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि साइट का जो डायरेक्शन होगा ये होगा, आपकी नजर यहां से इस तरह से उसको देखने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ साइट है और ये है हॉरिजेंटल सरफेस। डायरेक्शन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल सरफेस यानी कि रोड के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है हम इसको अल्फा मान लेते हैं, मान लेगा ये अल्फा, थीटा, बीटा कुछ भी, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से बोलेंगे। अब एलिवेशन तो क्लियर हो गया, एक बात क्लियर यहां पर मैं कर देता हूं कि एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होगा। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपसे ऊंचाई पर होना चाहिए, तभी वो एलिवेशन होगा। ये ऊंचाई पर है क्योंकि ये इसका जो लेवल है वो ये है और ये यहां पर है, तो ये ऊंचाई पर है। यानी आप नीचे हैं और किसी ऊंचे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये जो देखोगे ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ एलिवेशन कर लेगा। क्लियर हो गया? अब मान लो कि फिर ये एक रोड है और इस रोड पर आप चल रहे हैं, ठीक, और इसी रोड के किनारे एक बिल्डिंग ये है। इस बिल्डिंग पर यहां पर कोई आदमी है, इस बिल्डिंग पर भी यहां पर ये आदमी था, लेकिन ये आदमी देख रहा है इधर, आपको तो देख नहीं रहा है, आप जबरदस्ती उसको देख रहे हैं। तो आप जब उसको देखेंगे तो ये एलिवेशन होगा, लेकिन इस केस में, केस नंबर टू में, आप जा रहे हैं इधर, यानी कि आपका जो फेस है वो फेस इस डायरेक्शन में है, ठीक, और यहां पर एक दूसरा आदमी है, तो ये तो इसको देखेगा नहीं क्योंकि इसका फेस इसके ऑपोजिट है, ये देखेगा इसको। तो ये जो देखेगा तो इसका इस तरह से साइट का डायरेक्शन होगा। नोट करो, इसका डायरेक्शन बॉटम टू टॉप जा रहा है और इसका डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है आगे। इसको अगर आगे और बढ़ा दो तो इस प्रकार से ही इस तरह से जाएगा। अब यहां पर दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? देखने वाला नीचे है और जो देख रहा है वो ऊपर है। यहां पर देखने वाला ऊपर है और जो ये देख रहा है वो नीचे है, यानी आप इस केस में ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहां पर
ये मान लेते हैं रोड है, तो इस पॉइंट पर जहां पर ये आदमी देखने वाला जहां पर आदमी है उस पॉइंट से इस रोड के पैरेलल एक लाइन खींच लो, इस तरह से एक लाइन इसकी पैरेलल रोड के पैरेलल खींच लिया। अब ये जो लाइन होगा इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रूप से बनाया गया लाइन है। तो इसके साथ जो ये साइट है इसके बीच में जो ये एंगल अल्फा बनेगा, तो ये एंगल अल्फा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। यहां पर ये डिप्रेशन कहलाएगा, ये डिप्रेशन है और ये एलिवेशन है। एलिवेशन नीचे से ऊपर देखो और डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखोगे तो वो डिप्रेशन होगा। इसी को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। अगर इसको नहीं समझोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आप में डिप्रेशन क्रिएट करेगा। इसलिए इस टॉपिक को समझो, तब हम लोग इसके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करेंगे।